मलेशिया का एक खूबसूरत सा आइलैंड लंकावी। मेरे सफरनामा के कुछ पन्ने अब इस लंकावी आइलैंड और इसमें बिताए हुए वो कुछ दिन, मेरा अनुभव, वो यादें, ये सब लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इस छोटे से आइलैंड में ऐसा क्या है। तो लंकावी आइलैंड का जो सफर है उसकी शुरुआत एक खूबसूरत सा सनसेट क्रूज से करते हैं। तो लंकावी में आप एक इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हैं कि आप शाम को एक सनसेट क्रूज आप बुक कर सकते हैं और 3-4 घंटे तक आप समुंदर में यू नो एंजॉय कर सकते हैं। और इस क्रूज में आपका यू नो डिनर भी इंक्लूड रहता है और ड्रिंक्स भी रहता है। अजी पापा आएगा। सो इस सनसेट क्रूज को मैं अगर कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वो ऐसा रहेगा कि अनलिमिटेड मदिरा, संगीत, सागर की लहरें, नाचते गाते हुए लोग और एक खूबसूरत सा ढलता हुआ सूरज। क्या सही माहौल बनाता है ना एक यादगार शाम इन लंकावी आइलैंड। और लंकावी एक्सप्लोर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप एक सेल्फ ड्राइव कार रेंट पे ले लीजिए। ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। आपको आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में ही आप कार रेंट पे ले सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको लंकावी में ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है बिकॉज ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है और रोड बहुत अच्छा है, कोई हॉन्किंग नहीं है, काफ़ी शांत और काफ़ी रिलैक्स्ड वे में आप ड्राइव कर सकते हैं। स्काई कैब हमको लेके जाएगा लंकावी का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक लेके जाएगा। वहाँ एक स्काई ब्रिज है और वहाँ से पूरा लंकावी आइलैंड का आपको एक पैनोरमिक व्यू आपको मिलेगा। इवन आप उस स्काई ब्रिज से कुछ आइलैंड्स देख पाएंगे जो एक्चुअली में थाईलैंड में आता है। अब पहुँच तो गए बट पूरा कोहरा भरा हुआ है, तो विल वेट, कुछ तो कर नहीं सकते, बस विल वेट कर सकते हैं मौसम थोड़ा क्लियर हो जाए। इसके हिसाब से दिस इज द लॉन्गेस्ट कर्व हैंगिंग ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये मुझे पता नहीं था। नाइस, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है सो वी आर नॉट एबल टू सी द फार अवे आइलैंड्स ओवर देयर। स्काई ब्रिज को एक सपोर्ट कर रहा है एक कॉलम, मजबूत कॉलम। इस कॉलम से अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग कॉर्नर्स को
इससे पकड़ा हुआ है. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग. सो दोस आर इन सो मच देयर एंड आई डोंट नो वेदर यू एबल टू सी और नॉट. वो एक्चुअली थाईलैंड है. वो थाईलैंड का कुछ आइलैंड से स्काई कैप में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. और मौसम भी अच्छा है. जब आए थे तब हाँ पहली बार आए थे तो बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि बारिश हो रहा है कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम था. तो फिर सेकंड टाइम आए बहुत अच्छा लगा और सब ठीक है अभी. तो अभी हम रुके एक स्पॉट में जहाँ पे हम ईगल्स को फीड कर सकते हैं. हमने कुछ चिकन स्किन्स ले लिए हैं. कई सारे ईगल्स तो दिख रहे हैं. So this area we call the eagle feeding. We do the eagle activity. We chew the food for eagle. Every day they stay here. They waiting me also another boat. So they know where they coming. The food is coming. But we control the food, we not give a lot. We give about around the 100, 200 gram chicken skin only, one bowl. Langkawi में जो mangrove area है वो बहुत ही बड़ा है. एक्चुअली बहुत ही बड़ा है और ये टोटली प्रोटेक्टेड है अभी. ये अच्छी बात है बिकॉज पहले के ज़माने इसी ट्री से लोग चारकोल बनाया करते थे. अब ये टोटली बैन है. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैंग्रोव टूर हम एक क्रोकोडाइल केव में जाएंगे. इट्स एक्चुअली केव जो क्रोकोडाइल शेप में है. अगर पानी कम रहा तो हम उसके अंदर भी जा सकते हैं. सो लेट्स सी. सो ये है क्रोकोडाइल केव. पहले के टाइम में यहाँ पर क्रोकोडाइल्स मिलते थे. सो इसके लिए इसका नाम क्रोकोडाइल केव पड़ा. तो अभी क्रोकोडाइल केव के अंदर है और पानी जस्ट बॉडी लेवल में है. Somehow we are able to cross it. After 20-30 minutes आप इस केव के अंदर नहीं आ सकते. It will be full with water. So the next part of this mangrove tour हम एक बैड केव पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो ये रहे वो बैट्स. आप देख सकते हैं कितना सारे बैट्स हैं. आराम कर रहे हैं. फिलिप जियो फॉरेस्ट पार्क. दे आर फ्रॉम यूनेस्को. द बैक केव, क्रोकोडाइल केव, फिश पार्क, ईगल. या जस्ट यू कुड आवर द फिलिप जियो फॉरेस्ट पार्क. जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जा रहे हैं ये छोटी छोटी लहरें जो है बड़ी होती जा रही हैं और हमें जो है थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है. मजा आ रहा है सुमी? Yeah! कितना मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है. और आपको? मजे ही मजे. देखा वो है थाईलैंड. थाईलैंड बॉर्डर. वो जो ब्लू कलर माउंटेन्स दिख रहा है वो है थाईलैंड बॉर्डर. यहाँ से आप बोट से 45 मिनट्स में पहुँच सकते हैं थाईलैंड. सो फाइनली हम अपने घर के पास पहुँच गए. दैट इज़ द तंजावुर रिसोर्ट जहाँ पे हम रुके हुए. तो लंकावी में ये जो मैंग्रोव ट्रिप है इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. जैसे हमने एक क्रोकोडाइल केव एक्सप्लोर किया, एक बैट केव एक्सप्लोर किया, फिर हमने ईगल फीडिंग की सुबह.
देन एक हमने अंडमान से का एक ट्रिप लगाया क्लोज टू दैट थाईलैंड बॉर्डर. फिर हम अभी लंच करने के लिए आए हैं, ये भी इंक्लूड है इसी पैकेज में. सो ओवरऑल एक बहुत ही रीजनेबली प्राइस, एक बहुत अच्छा पैकेज है ये तंजुंग रू मैंग्रोव टूर. सो अगर आप लंका हुए आएँ तो इसको आपको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना चाहिए. अभी हम आए हैं पेंटाई चनांग बीच और ये एरिया जो है ये लंका का सबसे ज़्यादा क्राउडेड और सबसे ज़्यादा होटल से भरा हुआ जगह है. और वैसे तो लंका भी काफ़ी शांत आइलैंड है, फिर भी आप चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा नाइट लाइफ एंजॉय करें तो आपको इस एरिया में आना पड़ेगा, पेंटाई चनांग बीच आपको आना पड़ेगा. यहाँ रात को भी काफ़ी सारा एक्टिविटी चलता रहता है, बहुत सारा यू नो हलचल शोर शराबा चलता रहता है. और पेंटाई चनांग बीच विल बी द लास्ट स्पॉट विच यू आर एक्सप्लोरिंग इन लंकावे. और लंकावी आइलैंड में आज हमारा आखिरी दिन है. और मैं पूरे मलेशिया की बात करूं तो कंपेयर टू द अदर प्लेसेस जो हमने विज़िट किया लाइक कुआलालंपुर मलक्का, लंकावी आइलैंड हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया. और हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके हैं दैट इज़ तंजुंग रू रिज़ॉर्ट, ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया. इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन लंकावी. आप देख सकते हैं इसका लोकेशन जो है बिल्कुल बीच में ही है और सामने का व्यू तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है. I'll definitely remember this island, this experience for a long, long time. मैं ये व्यू जो है ये बहुत मिस करने वाला हूँ. बहुत ही प्यारा आइलैंड है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस आइलैंड में. एंड एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा इन मलेशिया अगर आप मलेशिया आने को सोच रहे हैं.